रसोई गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। अब से हर महीने आपकी रसोई गैस पर 4 रुपए बढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कर सरकार मार्च 2018 तक घरेलू गैस सिलेंडरों पर मिल रही छूट खत्म करना चाहती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा, पिछले साल सरकार ने ऑयल कंपनियों को सब्सिडी पर मिलने वाले सिलेंडरों के दाम हर महीने 2 रुपए बढ़ाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब इसे 4 रुपए कर दिया है। यानी कि अब अगले साल मार्च तक सिलेंडर की कीमत 32 रुपए बढ़ेगी। बता दें कि फिलहाल हर कनेक्शन पर साल भर में 12 सिलेंडर सब्सिडी रेट पर मिलते हैं। इसके बाद कंज्यूमर्स को मार्केट रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ता है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को अगले साल मार्च तक सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की लंबी समय से तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में 1 जुलाई 2016 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हर महीने 2 रुपए बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद से अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कुल मिलाकर 10 बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा चुकी हैं। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 477.46 रुपए है, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर 564 रुपए हैं। यानी कि अगले महीने से इसमें हर महीने 4 रुपए का इजाफा होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।